बेटमा के समीप इंदौर अहमदाबाद रोड पर एक निजी रिसोर्ट के स्टाफ की गुंडागर्दी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें महिला से अभद्रता और बच्चों से मारपीट की बात कही जा रही है। इंदौर और बेटमा के बीच द ग्रैंड माचा रिसोर्ट में एक परिवार के साथ बीती रात मारपीट की घटना हो गई। आपको बता दें कि इंदौर से एक परिवार अपने भतीजे का जन्मदिन और नववर्ष की खुशियां मनाने यहाँ आया था। यहाँ के स्टाफ ने परिवार के बच्चों, महिलाओं और पुरुषों के साथ झूमा झटकी अपशब्दों का प्रयोग कर मारपीट की। पीड़ित महिला को चोट भी आई और उसकी सोने की चेन भी गायब हो गई। परिजनों ने बताया कि पानी पतासे की बात पर होटल का स्टाफ एक कर्मचारी आइसक्रीम लेकर आया और उसने बदतमीजी कर अपशब्दों का प्रयोग किया, महिला के पति के साथ मारपीट की। पीड़ित परिजनों ने डायल 100 से मदद मांगी। पुलिस ने रिसोर्ट से करीब 15 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के साथ ग्रैंड माचल गई थी, तो हम लोग ने सोचा कि आते टाइम थोड़ा पानी पताशे वगैरह खा ले। तो पानी पताशे वाले से बोला कि भैया, जो पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो पहले भैया खिलाते थे थोड़ा मसाला डाल के खिलाते थे, तो उसमें मसाला डाल दो। तो पास वाला एक लड़का आया आइसक्रीम वाला, तो उसने बोला कि भैया आपको इतनी गर्मी किस बात की है, तो कोई भी इंसान इतना क्यों सुनेगा। मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने बोला कि कुछ गलत तो बोला नहीं। तो वहाँ का पूरा स्टाफ आ गया लड़ने के लिए, गाली गलौज करने लगे। इतने में मेरे हस्बैंड हावी हो गए और उन्हें पूरा स्टाफ आ गया मारने के लिए, और उनको बचाने के चक्कर में मुझे और मेरे बच्चे को भी मारा और उसे यहाँ पे चोट लगी है, और मुझे भी चोट लगी है, मेरी चेन गायब है और मेरे कपड़े भी फटे हुए हैं। हाँ, हाथों हाथ 100 नंबर पे कॉल किया था, तो फिर उसके बाद अभी मेडिकल के लिए जा रहे हैं, थाने पर आए थे पुलिस वाले, उसके बाद अभी मेडिकल हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।